गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी ट्रिपल ई का यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके पहले वाले लेक्चर को देखे होंगे तो मैं मैग्नेट का एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। दो पोल होते हैं, इसमें पोल किसे कहते हैं, मैग्नेट किसे कहते हैं, ये सब सारी जानकारी आप लोगों ने उस लेक्चर में आप देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे भी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखिए, ये एक मैग्नेट हुआ। मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं आपको ये बात पता होगा। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक का नाम है नॉर्थ पोल और एक का नाम है साउथ पोल, करेक्ट। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं। कुछ अदृश्य रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो नहीं दिखाई देता है हमें, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, निकलता है, और यहाँ से निकलते हुए ये इधर से होते हुए ये साउथ की तरफ इंट करता है, साउथ पोल में आके फिनिश होता है। ये इंटरनली लूप कनेक्ट करता है, लूप बनाता है, ठीक है, ये इंटरनली कनेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो लूप बनाता है, लूप मतलब क्लोज्ड पाथ का निर्माण करता है। ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में इंड हो रहा है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा कि नॉर्थ से ही निकलता है और साउथ में इंड होता है, ठीक है। नॉर्थ से, ऐसे समझिए ना, एन से निकलना, एस से समाप्त होना। एन से निकलना, यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से समाप्त होगा। और ऐसे जो अदृश्य किरणें हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं, इन इमेजिनरी लाइन के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र, देखिए ये जो क्षेत्र बनाया गया, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। पहले इस बात को समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड बना क्या, क्यों बना। अब सुनिए, ये मैग्नेट है। अब मैं यहाँ पर एक बॉडी रखता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये वैसा क्षेत्र, ठीक है, वैसा क्षेत्र जहाँ तक वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करे, किसी भी बॉडी का मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता हो, उसमें इस तब उतने जितने दूर तक वो अट्रैक्ट करता हो उसे उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा बनाया जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उससे निकल रहे इमेजिनरी लाइन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन करता है। अब साथ साथ इमेज भी देख रहे होंगे, उसमें दिखाई दे रहा होगा कि उसका डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इसमें बहुत सारी बातें आपके सामने आते रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसे आपके जो इमेज आ रहे हैं उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, कि इमेज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इमेज में आपके पास देखिए आ रहा होगा क्या क्या आ रहा है इमेज में। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, एक क्षेत्र जो मैग्नेट के चारों ओर रहता है, वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स की अनुभूति होती है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन उसी को कॉपी कर लीजिए जो फोटोज में लिखा है। ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए परमानेंट मैग्नेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉन टू दैट, जो कि यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ दिखाया गया है, या फोटो में अभी बहुत सारे फोटोज आएंगे मैग्नेटिक लाइन्स के, उसको किसी एक फोटो को आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें दो पॉइंट्स है, अच्छे से इमेज को देख रहे होंगे तो दो पॉइंट्स उसमें दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है, द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। वह लाइन जो है उस मैग्नेट का, ठीक है, फील्ड लाइन का डायरेक्शन को, फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जो लाइन है, देखिए इसमें एरो मार्क दिया हुआ है, एरो मार्क इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन से मैग्नेटिक लाइन्स निकल रहा है और कहाँ जाके मैग्नेटिक लाइन समाप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट को पढ़िएगा, द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट अच्छा है, इसको समझिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की ताकत। अब सोचिए, मेरे पास दो मैग्नेट है, करेक्ट, एक ग्रीन कलर दिख रहा है, एक ब्लैक कलर दिख रहा है,
मैं बोलूँगा कौन सा ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट है, आप कैसे डिसाइड करेंगे, सोचिए। ठीक है, तो देख के तो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, छू के भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तौल के भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो सर आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक करके दोनों में चिपकाएंगे, जो ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर रखेगा वो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा। एकदम करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं सर। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि यही पावरफुल मैग्नेट है? इसका कुछ इंटरनल खास बात होता होगा, दोनों का वजन सेम है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का आकार भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे हो गया? तो इसके लिए जिम्मेवार होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की संख्या निश्चित होती है, ध्यान से रखिएगा, किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जो लाइनों की संख्या है वो निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन उतना वो पावरफुल मैग्नेट होगा। फिर से लाइन को दोहरा रहा हूँ, इसमें जितना ज़्यादा लाइन्स निकलेगा, एक लाइन हुआ, ऐसा ढेर सारा लाइन निकलेगा सर, ये ऐसा ढेर सारा लाइन निकलेगा, और इन सब लाइनों की संख्या इसके ताकत को दर्शाती है, यानी जितना ज्यादा लाइन उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट, याद रखिएगा, जितना ज्यादा लाइन उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट। ठीक है, और इसी को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट आया वेबर। कौन आया? वेबर। वेबर बोला कि हम बताएंगे कि कौन सा मैग्नेट कितना पावरफुल है, और उसने वेबर करके बोला एक वेबर बराबर 10^8 मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ठीक है, यानी कहा उसने कि इसमें से ठीक है, आप लाइंस की संख्या को गिनिए, और 10^8 लाइन हो जाए तो उसे आज के बाद इंडिकेट कर दीजिए एक वेबर के बराबर। ठीक है, अब बताइए, मान लिया ये एक मैग्नेट है, इसमें 2×10^8 2×10^8 मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, और इसमें 4×10^8 मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, तो ये ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा और ये कम पावरफुल मैग्नेट होगा, करेक्ट। वही तीसरा पॉइंट आपके पास आ रहा था। चौथा पॉइंट आपके पास क्या दिख रहा है, उसको भी पढ़ लीजिए। चौथा पॉइंट दिख रहा होगा आपको, एरो ऑन द लाइंस सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन शो हो रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना, किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि डायरेक्शन आप ऐसे शो कर रहे हैं, दिखा सकते हैं, सब में डायरेक्शन शो कर सकते हैं, ऐसे जा रहा है, इधर एंड हो रहा है, इधर ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ से निकल रहा है इस तरीके से, यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्नेटिक लाइन्स शो कर सकते हैं। ठीक है, और एक वेबर बराबर 10^8 फ्लक्स लाइन, और इसको भी अगर आप यही मेरा ही फोटो बनाना चाहते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और इन सब को क्या कहा जाता है, ये सब जो आपके पास दिख रहा है इन सब को मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, क्या बोलते हैं? फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन या फ्लक्स बोला जाता है। फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो आप पहले डेफिनेशन को लिखिए जो आपकी इमेज में है, और इस फोटो को भी बना सकते हैं, और नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको भी लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया होगा आपने। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, इसकी कुछ खास बातें हैं, उन खास बातों को भी समझ लें। ठीक है, क्या क्या खास बातें हैं, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक इमेज आ रहा होगा, उसमें ढेर सारी बातें आपके सामने लिखी गई होंगी। ठीक है, उन्हीं बातों को एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? पहला लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड ए मैग्नेट। ठीक है, क्या बोला कि ये मैग्नेट है और इसमें मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ, देखिए नॉर्थ से साउथ इधर से इधर भी हो जाएगा,
बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, नॉर्थ से साउथ बोल दिए तो नॉर्थ से साउथ इधर से इधर भी तो जा सकते हैं। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, बाहर होते होते हुए साउथ की तरफ, नॉर्थ से बाहर से होते हुए साउथ की तरफ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस, ये कभी नहीं रुकते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो होते रहते हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये कंटिन्यूअस होते हैं। तीसरा लाइन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन टेंड टू रिपेल इच अदर। देखिए, तीसरा पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर मैं रिपल्सन कैसे होता है और अट्रैक्शन कैसे होता है उसको समझाऊंगा, तो तीसरा पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। दो सेम पोल रिपेल इच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर, जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं उस समय ये तीसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टेंड्स टू एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहता है कि हम हमेशा संकुचित होते जाएं, बड़ा नहीं होना चाहता है, बट वो उसकी मजबूरी है कि वो उतना बड़ा फील्ड है, क्योंकि दूसरा मैग्नेटिक लाइन्स अंदर में है तो तीसरा इससे ऊपर ही होगा, चौथा इससे ऊपर ही होगा, पांचवा इससे ऊपर ही होगा, इसलिए वो चाहता है हमेशा वो संकुचित हो, और इसी संकुचन के कारण पहले यहाँ लूप बनता है, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, जो सबसे बाहर वाला जो मैक्सिमम बाहरी फील्ड बना रहा है वो वहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया जाता है, वो उसका मैग्नेटिक क्षेत्र हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अगला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑक्यूपाई थ्री डायमेंशनल स्पेस एक्सपेंडिंग थ्योरेटिकली टू इन्फिनिटी। ध्यान देंगे, कह रहा है कि ये सामने से ना ऐसे दिख रहा है जी, इधर से जब तुम्हारे पास मैग्नेट आएगा ना ऐसे, तो देखिएगा मैग्नेट में कैसे होगा, देखिएगा ये मैग्नेट हुआ, यहाँ से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, थ्री डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि इधर और इधर खाली निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो सब चारों दिशाओं में निकल रहा है, ये कह रहा है, थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टू डायमेंशन है, ऊपर और नीचे खाली होता, आगे और इधर, इधर नहीं निकलेगा ऐसा नहीं है, इधर से इधर भी निकलेगा, इधर से इधर, लेकिन उसको हम शो नहीं कर सकते हैं अभी आपके सामने। लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरलीव मैग्नेटिक सरफेस एट राइट एंगल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैक्सिमम किताबों में रहता भी है, आपके पास ये मैग्नेटिक लाइन्स है, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ से निकलेगा एकदम 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ, ये जो मान लीजिए मैग्नेटिक लाइन्स निकला तो निकलते समय वह उसके सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तब जाके मुड़ेगा, पहले नहीं मुड़ेगा, यहाँ तो आ रहा है 90 डिग्री, एंड भी होगा तो 90 डिग्री, और यहाँ से निकलेगा तो भी 90 डिग्री का क्रिएशन करेगा। ठीक है, अगला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट टच और क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे ना एक दूसरे को काटेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि हाँ पीछे 10th क्लास में इन सबको पढ़ाया गया है आपको, यहाँ तक आपने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहले जो मैंने इमेज में प्रॉपर्टीज दिया है उसको अच्छे से समझिए, लिखिए, और अगर आपको किसी पॉइंट्स में दिक्कत होता है तो हमसे डिस्कशन कीजिए, फ़ोन नंबर तो आपके पास रहता ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है वो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, अगला टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को कितने टाइप्स में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, करेक्ट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं आपको मालूम होगा, ठीक है, मैग्नेट को जनरली दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन मैग्नेट होता है बाबू, एक का नाम है नेचुरल मैग्नेट, कौन सा, नेचुरल, और दूसरा मैग्नेट का नाम जानते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, ये क्या होता है नेचुरल मैग्नेट, जो Fe3O4 हम बताए थे ना, या फिर लोडस्टोन, लोडस्टोन एक नाम होता है, लोडस्टोन एक नाम है जो कि जमीन से निकला परमानेंट मैग्नेट, उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो पहले से मौजूद होता है, हमको डालना नहीं पड़ता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पहले से होते हैं, वैसे मैग्नेट्स को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं,
और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट नहीं है, लेकिन बाद में उसमें हम कुछ अपनी विधि, कृत्रिम विधि, हम लोग अपना विधि अप्लाई करके हम लोग उसको मैग्नेट बनाते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार से मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, जितना पावरफुल वाला मैग्नेट चाहिए उतना बनाते हैं। तो उस तरह के मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो तरह का मिलेगा आगे चल के। ठीक है, कौन कौन सर? एक मिलेगा टेम्प्रोरी और एक मिलेगा परमानेंट। एक मिलेगा टेम्प्रोरी और एक परमानेंट। टेम्प्रोरी मैग्नेट क्या होता है? वैसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक लाइंस कुछ देर के लिए रहेगा फिर गायब हो जाएगा, कुछ देर के लिए रहेगा, जब ज़रूरत है तब तक रहेगा फिर गायब, फिर ज़रूरत पड़ा तो हम उसमें जोड़े, कुछ ऐसा कनेक्शन किए फिर आ गया। उस तरह के मैग्नेट को हम लोग टेम्प्रोरी मैग्नेट बोलते हैं। और कुछ ऐसे मैग्नेटिक आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं जिसमें मैग्नेटिक लाइंस ज़िंदगी भर तक मतलब रहेगा ही, हमने उसको मैग्नेट बना दिया हमेशा के लिए, तो ऐसे को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ये आर्टिफिशियल तरीके से मैग्नेट बनाए गए हैं, उसके दो ठीक है पार्ट होते हैं, टेम्प्रोरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जो ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है ये बनाया गया है किससे जानते हैं? लोड स्टोन। किसे किसे बनाया जाता है बता दे रहा हूँ, लोड स्टोन और एक और कौन आयस्क था, एंड एक और था मैग्नेटाइट। क्या जी? मैग्नेटाइट। एक लोडस्टोन और एक मैग्नेटाइट। लोडस्टोन और मैग्नेटाइट, ये दो आपके पास, लोडस्टोन और मैग्नेटाइट दो ऐसे पदार्थ हैं जिससे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट। यही दोनों नेचुरल मैग्नेट है जो कि नेचुरली देखा गया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से होते हैं। अब कितना स्ट्रांग होगा, वीक होगा, काम का होगा नहीं होगा, ये तो बाद में पता चलेगा जब हम इसको देखेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट इंजीनियरिंग लाइफ में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उससे हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल मैग्नेट का ही प्रयोग करेंगे। पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में हम लोग कौन से मैग्नेट का प्रयोग करेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने फोटोज़ में जितने भी फोटोज़ आते जा रहे हैं, अभी मैंने नेचुरल मैग्नेट का भी भेजा और भी बीच में कुछ पॉइंट्स और लिखा। ठीक है, सभी को आप एक एक करके कॉपी में नोट डाउन कीजिए वन बाई वन। सबसे पहले अभी मैंने आपके पास बता रहा था टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, फिर नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, अब देखिए मैं एक दो वीडियोज़ आपके सामने दूंगा, उससे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मूव करता है। ठीक है, देखिए अभी आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला एक छोटा सा मैग्नेट है, उसमें लाल रंग का एक किरण निकल रहा है जो कि नॉर्थ से निकल रहा है, ठीक है, और साउथ में ठीक है इंटर कर रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये लगता उल्टा बन गया है, सॉरी। ठीक है, मेरे पास दूसरा वीडियोज़ है, उसको देख लीजिए, दूसरा वीडियोज़ मैं शो करता हूँ आपके सामने। वेट, हाँ ये वीडियोज़ है ना, देखिए इसमें ये जो वीडियोस आपके पास शो हो रहा है, ये वीडियोस में आप नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ मैग्नेटिक लाइंस को जाते हुए दिख रही है। ये मैंने अपने से वीडियोस को रखा है ताकि आप समझ पाएं कि ये मैग्नेटिक लाइंस का एक फ़ोटो है। ठीक है, और ऐसे मैं ढेर सारे फ़ोटोज़ आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए अभी बोर्ड पर आएगा फ़ोटो। देखिए मैग्नेटिक लाइंस कैसे नॉर्थ से साउथ जाता है उसका भी डायरेक्शन देखिए, एक फ़ोटो जा रहा है, इसमें नीडल्स बने हुए हैं और इसी नीडल में एक साइड रेड कलर है और एक साइड वाइट कलर, रेड कलर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसी से डिसाइड कराया गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है, यही तरीका है। और गोल गोल सर्कल बनाते हैं ये लोग, ठीक है, ये कभी भी टूटे हुए नहीं रहते हैं, हमेशा पूरा एक लूप का निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे पूरा लूप का निर्माण करते हैं। एक फ़ोटो और दिया है जो कॉपी में हम लोग बनाए हैं, कॉपी में मतलब मान लीजिए ढेर सारा लोहे का बुरादा रख दीजिएगा और उसको अगर आप उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल रखिएगा तो वो इसी तरह का गोल स्ट्रक्चर, बुरादा जो है इसी तरह का गोल स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि कैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर दिखता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो आपके सामने आया है। ठीक है, तो छोटा सा एक लेक्चर मैंने बनाया जिससे कि आपको समझ में आए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, आपके सामने एक छोटा सा लेक्चर आया। अब आता है, ठीक है सर, अब
हम आपको परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट की दुनिया में लाएंगे। यहाँ तक मैग्नेटिज्म का छोटा सा पोर्शन हुआ, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन का जवाब बाकी है। अगले लेक्चर में उसका जवाब लेंगे और फिर मैग्नेटिज्म की दुनिया में एंटर करेंगे। एक लेक्चर और बनाएंगे जो कि हमारा एक्स्ट्रा होगा, इसके बाद हमारा सिलेबस पे आ जाएंगे। क्या सर कि लाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है, और अनलाइक, सॉरी, लाइक पोल रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। ये बहुत बार आप बोले होंगे, कितनी बार बोले होंगे पता नहीं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत बार बोले, बट ये कैसे होता है, कैसे मान लें? सर आप सोचिए, आज जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचिएगा अगले वीडियोज़ के लिए। मान लिया ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जैसे ही आप इसको करते हैं टच हो जाता है। काहे टच हो जाता है, इसको कभी सोचे ये टच क्यों हो जाता है, ये सोचना है। और दूसरा, मान लिया ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, अगर सटाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, क्यों एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या ऐसा कारण है कि एक दूसरे को रिपेल करता है, ये अगले वीडियोस में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, और उसके बाद का टॉपिक इसमें से जितना कंसेप्ट है सब क्लियर होने लग जाएगा। चलिए, उम्मीद है वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो मेरे से ज़रूर फ़ोन करके कंसल्ट कर लें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।